महाराष्ट्र टीवी 24 के आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। देश में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और रेप के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन कभी रोड पर चलते चलते लड़कियों को छेड़ने के मामले सामने आते हैं, तो कभी स्कूल में अध्यापक द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं। असम से छेड़छाड़ का एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। असम के चिरांग के एक स्कूल से सामने आया है यह मामला, जहाँ पर एक शिक्षक द्वारा महज 7 साल के एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने शिक्षक की पिटाई कर दी। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 347 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,40,70,830 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 5,516 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण से दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक में एक एक मरीज की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,30,604 हो गई है। अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने बिना अनुमति उनकी आवाज, नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। दरअसल उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अब इस बाबत याचिका दायर की। सिंगल जज जस्टिस नवीन चावला इस मामले की सुनवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। साथ ही उन्होंने इस आरोप को खारिज किया कि उनकी पार्टी केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि गुजरात विधानसभा और दिल्ली नगर निगम चुनाव के हार के डर से भाजपा केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। उन्होंने इसकी जाँच की मांग भी की। राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद ने लड़कियों के एंट्री पर रोक वाले आदेश को आखिरकार बीते गुरुवार 24 नवंबर को वापस ले लिया। दरअसल इस मामले में उठे विवाद के बाद हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शाही इमाम से बात की थी, जिसके बाद ये फरमान वापस लिया गया। ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर के अनुसार यहाँ के स्थानीय रेलवे स्टेशन पर उस वक्त बवाल मच गया जब बरौनी से चलकर ग्वालियर आई बरौनी मेल प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर यात्रियों को उतरने के बाद खुद बेपटरी से हो गई। जानकारी के अनुसार उस ट्रेन जब सभी सवारी उतारकर अपने यार्ड में जा रही थी, तभी बरौनी मेल में 3 डब्बे यार्ड में जाते वक्त पटरी से उतर गए। देश के कई राज्यों में से ऐसे कई अद्भुत जगह और चीजें हैं जो उसकी खासियत को दर्शाता है। तमिलनाडु सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के मुताबिक मदुरई जिले के मेलूर के पास अरिट्टापट्टी गांव को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट यानी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की। पर्यावरण मुख्य सचिव प्रिया साहू ने खुद इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी है। ट्विटर पर एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मदुरई में अरिट्टापट्टी को तमिलनाडु पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में GOTN द्वारा अधिसूचित किया गया। अरिट्टापट्टी कई स्थानीय प्रजातियों के साथ एक जैव विविधता स्वर्ग से कम नहीं और एक ऐतिहासिक विरासत है जो हजारों साल पुरानी है। के चांदनी चौक स्थित भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक बाजार की दुकानों में बीते गुरुवार देर रात भयंकर आग लग गई। उस हादसे की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस और दमकल की 32 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, इसमें अब तक करोड़ों का नुकसान भी हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने MBBS पाठ्यक्रम की पुस्तकें मराठी भाषा में प्रकाशित करने की रूपरेखा बनाने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। राज्यों के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में हिंदी में MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें भी प्रकाशित की है।
देश में ज्यादातर युवा नौकरी की तलाश में है। ऐसे में हम आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। सरकारी नौकरी OSSC टीचर रिक्रूटमेंट 2022 का पिटारा अब आपके सामने खुल गया। आपको बता दें कि सरकार ने नौकरियों में भर्ती का पिटारा खोल दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने ये भर्तियां शिक्षा विभाग में निकाली है, जहां 7000 से ज्यादा पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन मांगे गए। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग यानी OSSC ने SNME डिपार्टमेंट ओडिशा और राजधानी भुवनेश्वर के तहत गवर्नमेंट स्कूलों के लिए रेगुलर टीचर्स की भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया। अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं तो आधिकारिक वेबसाइट oss.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24 के आगे की बेहतरीन और महत्वपूर्ण खबरें।